गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल NVGN एजुकेशन पर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 8 का थर्ड चैप्टर साइंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। दो चैप्टर आपके 8th क्लास के कंप्लीट हो चुके हैं, तो तीसरा जो लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। साइंथेटिक क्या होता है? साइंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड, यानी मैन मेड, या इसको हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब जिसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया गया है। फाइबर्स होता है रेशे एंड प्लास्टिक। और प्लास्टिक आप सभी ने देख रखे हैं कि क्या इसके यूज हैं, कहाँ ये हानिकारक होता है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम इनमें पढ़ेंगे। कि साइंथेटिक जो फाइबर्स हैं यानी कृत्रिम जो रेशे हैं, वो उनका प्रचलन कब से शुरू हुआ है, यानी वो कब से बनने लगे हैं, और किसके दिमाग में ये विचार आया होगा कि साइंथेटिक फाइबर्स बनाते हैं। इससे पहले जो फाइबर्स होते थे, जो रेशे होते थे, वो क्या होते थे, नेचुरली, यानी नेचुरली अकरिंग। नेचुरली अकरिंग का मतलब क्या होता है, यानी प्रकृति में जो निर्मित होते हैं। फॉर एग्जांपल, एज वी आर यूजिंग कॉटन, कपास हम देखते हैं प्रकृति में उगने वाला एक रेशा है। दूसरे जो है वो है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज ग्लूकोज से बनने वाला एक है। ग्लूकोज इसकी छोटी यूनिट होती है, नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट से मिलके सेल्यूलोज बनता है। ये भी प्रकृति में अकर होने वाला एक फाइबर है, रेशा है अपना। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम कि व्हाट आर साइंथेटिक फाइबर्स एंड वेयर दे वर यूज्ड एंड हाउ दे वर प्रिपेयर्ड, कि वो किस प्रकार बनाए जाते हैं, कहाँ उनका प्रयोग किया जाता है, और क्या उनके गुणधर्म होते हैं, कहाँ हम उनको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज साइंथेटिक फाइबर, व्हाट इज साइंथेटिक फाइबर। तो इसका आंसर आप क्या देंगे, यदि आपसे कोई क्वेश्चन करता है व्हाट डू यू मीन बाई साइंथेटिक फाइबर, कि कृत्रिम रेशों का क्या मतलब होता है, तो आप इसका आंसर देंगे दोज फाइबर्स विच आर मैन मेड, यानी जो मनुष्य के द्वारा निर्मित रेशे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, साइंथेटिक फाइबर बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, साइंथेटिक फाइबर बोलते हैं। दूसरा जो एक मैंने आपको पहले बताया था, क्या है, नेचुरल फाइबर। क्या है, नेचुरल फाइबर। तो नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं, दोज फाइबर्स विच आर या दोज आर अकरिंग इन नेचर, यानी जो हमें प्रकृति के अंदर पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर। और जो मनुष्य के द्वारा निर्मित होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, साइंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, कॉटन है, सेल्यूलोज है, क्या है, सेल्यूलोज है। और जो साइंथेटिक फाइबर हैं उसके नंबर ऑफ एग्जांपल आपके सामने आएंगे, जैसे नायलोन है, रेयोन है, ये सारे क्या हैं, साइंथेटिक फाइबर हैं। इसके बाद देखो कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर कंपेयर ए वॉल, यदि हम क्या देखें, एक दीवार को देखें कि वो किस प्रकार से जुड़ी हुई है, तो हम क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ ब्रिक्स, यानी ईंटों को जोड़ जोड़ के क्या बनाई गई है आपकी, इस प्रकार से दीवार बना देते हैं हम। ईंट के ऊपर ईंट रख देते हैं, ईंट के ऊपर ईंट रख देते हैं, यानी नंबर ऑफ ब्रिक्स जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म ए वॉल, यानी एक दीवार को बनाने के लिए क्या है, नंबर ऑफ ब्रिक्स वर ज्वाइंट, यानी बहुत सी ईंटों का क्या हुआ है, इस्तेमाल हुआ है। तो इसी प्रकार से जो अपने साइंथेटिक फाइबर होते हैं ये भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं। क्या है, साइंथेटिक फाइबर जो होते हैं ये भी जुड़े हुए होते हैं। किससे बने होते हैं, ये नंबर ऑफ स्मॉलर यूनिट्स से, नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स, यानी बहुत सी छोटी छोटी यूनिटों से मिलकर बने होते हैं। जिस प्रकार इस दीवार के अंदर, इस वॉल के अंदर हमारी जो बनाने वाली जो इसकी यूनिट है वो क्या है, ब्रिक्स है।
क्या है, ब्रिक्स है, यानी ईंटों से मिलकर क्या बनी है, दीवार बनी है। तो उसी प्रकार जो नेचुरल फाइबर हैं, जैसे अपना मैंने एग्जांपल दिया था सेल्यूलोज का, सेल्यूलोज का, तो उसके अंदर भी जो यूनिट है वो कौन सी है, ग्लूकोज है। कौन सी है, ग्लूकोज है, यानी ग्लूकोज से बन के ही, ग्लूकोज से मिलके ही नंबर ऑफ सेल्यूलोज यूनिट का निर्माण हुआ है। ग्लूकोज से मिलके ही नंबर ऑफ सेल्यूलोज यूनिट का निर्माण हुआ है। और इसी प्रकार से तो इस सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं भाई कि यानी ये जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं, ये जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं, चाहे वो ईंट हो, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे पॉलीथीन में इथीन हो, तो इनको क्या बोलते हैं, हम पॉलीमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीमर्स बोलते हैं, जिनसे मिलके ये, पॉलीमर्स का क्या मतलब होता है, पॉलीमर्स आई थिंक या शायद ग्रीक लैंग्वेज का कोई वर्ड है जो दो चीज़ों से मिलके बने हैं, पॉली और मर। पॉली का अर्थ होता है मैनी, पॉली का अर्थ क्या होता है भाई, मैनी, और मर का मतलब क्या होता है, यूनिट। मर का मतलब क्या होता है, यूनिट, यानी जो बहुत सी, मैनी का मतलब बहुत सी यूनिट, छोटे छोटे चीज़ों से मिलके बने हैं। अब देखो जैसे पॉलीमर है तो इसके अंदर ये ओवरऑल ये एक दीवार है, लेकिन इसके अंदर जो यूनिट का काम किसने किया है, ये यूनिट का काम किया है इन ब्रिक्स ने, तो मिलके ये क्या है, एक है, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स मिलके एक है पॉलीमर बनाती हैं। यानी पॉलीमर की यदि आप डेफिनेशन दोगे तो क्या दोगे कि नंबर ऑफ स्मॉलर यूनिट्स ज्वाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए लार्ज यूनिट दैट इज कॉल्ड पॉलीमर, यानी नंबर ऑफ व्हेन सेम स्ट्रक्चरल यूनिट आर रिपीटिंग इट्सेल्फ। यानी क्या है कि बार बार जब एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, पॉलीमर्स, पॉलीमर यानी मैनी स्ट्रक्चरल यूनिट, मैनी स्ट्रक्चरल यूनिट आर रिपीटिंग इट्सेल्फ, आर रिपीटिंग इट्सेल्फ, यानी बहुत सी छोटी छोटी यूनिटें अपने आप को क्या कर रही हैं, रिपीट कर रही हैं, बार बार वही चीज़ आने लग रही हैं। मान लिया जैसे हम दैनिक जीवन में पॉलीथीन का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, पॉलीथीन का यूज़ करते हैं, तो पॉलीथीन का प्रयोग अभी तो सरकार ने कुछ समय के लिए बैन किया हुआ है, लेकिन पॉलीथीन आपको पता है कि इस प्रकार से इथीन, ये जो CH2 के बीच में डबल बॉन्ड लगा के दिखाया गया है आपको, ये इथीन मोलिक्यूल होता है, इथीन का एक मोलिक्यूल होता है, किसका होता है, इथीन का। और पॉली का मतलब क्या है, मैनी, तो इसका मतलब है इथीन के बहुत से कण आपस में जुड़ के किसका निर्माण करते हैं, पॉलीथीन का, यानी CH2 इस प्रकार CH2 इस प्रकार से N ही दिखा देते हैं, यानी N का मतलब है नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट्स आर रिपीटिंग इट्सेल्फ टू मेक ए बिगर मॉलिक्यूल, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पॉलीइथीन। और इस सारी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, या इनको क्या बोलते हैं, हम पॉलीमर्स बोलते हैं, पॉलीमर्स यानी बहुलक, जो बार बार अपने आप को रिपीट करके और एक बड़ी यूनिट का निर्माण करते हैं। देखो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए अब हम इस टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं, इतना ही डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर। थैंक यू।